हाँ जी तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश शर्मा। अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप इस भजन को किस तरीके से अपने कीबोर्ड के ऊपर प्ले कर सकते हैं। काफ़ी प्यारा भजन है, इसकी मेलोडी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो देखते हैं, सीखते हैं कि इसको आप अपने कीबोर्ड के ऊपर किस तरह बजाएं। ठीक है, और अगर आपको जो मैंने अभी पीछे प्ले किया छोटा सा, अगर आपको उसकी रिदम चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट कीजिए, या फिर अगर इस वीडियो के ऊपर 400 लाइक हो गए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट में जो इसकी रिदम है वो पिन कर दूंगा। इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। और अब बढ़ते हैं इस गाने के ट्यूटोरियल की तरफ, इस भजन के ट्यूटोरियल की तरफ, लेसन की तरफ, कि आप इसको किस तरीके से सुंदर तरीके से बजा सकते हो और प्ले कर सकते हो। दोनों एक ही हो गया, इसलिए बढ़ते हैं अब अपने कीबोर्ड की तरफ। हेलो जी, तो अब देखते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस गाने में यूज़ की है बुलबुल तरंग जो ट्यून है, ओके। और इसमें आप और भी अपने मन पसंदीदा धुन ले सकते हो, आपके कीबोर्ड में जो भी अवेलेबल हो, जो आपको सबसे पसंद आए उस धुन को आप इस गाने में यूज़ कर सकते हो, इस भजन में यूज़ कर सकते हो। जो बैकग्राउंड में ताल थी वो थी खेरवा, ओके। जो टेम्पो था वो था 65 का, ओके। तो सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरे गाने में बेसिकली 2 से 3 ही अलग अलग पार्ट है और आप आसानी से इस गाने को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाने की मैं एक एक लाइन आपको प्ले करके बताऊंगा, फिर धीरे धीरे अपने तरीके से आपको सिखाने की और बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप इसको आसानी से सीख जाएंगे बजाना। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गाने की पहली लाइन कैसे, क्लियर। तो इसमें देखो, आप जैसे देख सकते हो 3 से 4 लाइनें, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ठीक है, अगर आपका ये भजन नहीं सुना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। काफी प्यारा भजन है, आपको इसको सीखने में काफी मजा आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसमें पहला पार्ट जैसे हमने देखा, मैं इसमें जो यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ पहली काली से, ठीक है। अलग अलग भाग करके देखते हैं, सीखते हैं। जिसमें पहला भाग, वन टू थ्री फोर, 4 सुरों का यूज है। किस तरह, फिर क्लियर, 1 2 3 4, 4 सुर, काफी बेहतरीन। फिर से एक बार स्लो में, फिर अगर आप यहां तक समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं पीछे जाके फिर से इसको कॉन्सेप्ट को फिर से देखिए। ठीक है, अगली लाइन किस तरह, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, फिर काफी प्यारे तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब खाली इन्हीं बेसिक सुरों के ऊपर आपको चलना है। जो हमारे यहाँ पे ग है वो भी शुद्ध है, जो नी है वो भी शुद्ध है। अगर आप इस तरीके से समझना चाहे तो और भी बढ़िया। नहीं, नॉर्मल जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको ध्यान से देखिए और अपने फिर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन हमने सीख ली थी। अब जैसे मैंने आपको प्ले करके बताया दूसरी लाइन, क्लियर। ये ऊपर से, अगर आप किसी भी गाने को देखोगे, अगर आप ओरिजिनल को भी सुनोगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये लाइन भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, किस तरह, फिर से, इसके बाद में थर्ड लाइन, क्लियर। अलग अलग भाग करेंगे, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट अलग है, फिर बाद में वापस जो मेलोडी रहेगी वो सेम पहले वाले जैसी, फिर सेम पहले जैसी, इस तरह, फिर क्लियर। तो होप आपने जो लाइन है यहाँ तक परफेक्ट कर ली होगी और आपका जो मुगड़ा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अगर हम रिदम के साथ इसको प्ले करके ट्राई करें तो यहाँ से हम खेरवा ताल यूज कर देंगे, क्लियर। तो ये इसमें ओरिजिनल टाइमिंग थी। अगर आप इसको स्पीड में लेना चाहते हो स्पीड में भी पहले ले सकते हो, तो मतलब धीरे ले सकते हो तो धीरे भी ले सकते हो। आप ओरिजिनल गाने को सुनिए, उसको देखिए, कॉन्सेप्ट को, उसकी टाइमिंग को सही से समझिए और फिर अपने कीबोर्ड के ऊपर प्ले करने की कोशिश कीजिए। ये ओरिजिनल स्केल आप कई अलग अलग स्केलों के ऊपर अलग अलग सिंगरों ने इस भजन को गाया है। अगर आप इसको गाना चाहते हो तो ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो। इसके अंतर से पहले एक छोटी सी टिप, जैसे देखो अगर मैंने ये गाना यहाँ से प्ले किया, क्लियर, ये आपको बजाना था। अगर आप ये देखो ऊपर कहाँ तक जा रहा है, अगर आपका गला वहां तक जा रहा है, अगर आपको गाना भी और अगर आपका गला वहां तक जा रहा है तो आप यहाँ से बजाइए। नहीं, अगर आपका गला थोड़ा ऊपर वहां पे अटक रहा है तो आप एक सुर नीचे ले लीजिए। कहीं से भी आप किसी भी गाने को, किसी भी भजन को आप कहीं से भी बजा सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे मैंने इसको यहाँ से बजाया, किसी भी प्रकार का अगर आपको एक स्केल या एक मेथड आ गया तो आप दूसरे मेथड को सीखने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ से बजाया तो मैं किसी भी रैंडम सुर को, एक सुर पीछे या दो सुर पीछे, किसी भी रैंडम सुर को अगर मैं टच करूं और वहां से मेरे को एक गाना लेना है तो किस तरह, क्लियर, जो यहाँ से बजा वो सेम चीज यहाँ से बज गई, बट जो इसकी जो मेलोडी थी, जो इसका जो स्केल था, थोड़ा नीचे हो गया। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसे, होप जो मैं कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इसका मुखड़ा पार्ट कंप्लीट होता है। बीच का म्यूजिक आप किसी भी प्रकार के अपने पसंद से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बीच का जो म्यूजिक रहता है वो ओके, तो किसी भी प्रकार का म्यूजिक बन सकता है, बट इन्हीं सुर के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं रेंडमली अभी के अभी किसी भी प्रकार का म्यूजिक बनाऊँ तो, बट आप रिदम के साथ चलने चाहिए, ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाना था ओके, मिस्टेक हो गई तो फिर भी अंगुलियां फिसले, कोई बात नहीं। अगर आप लाइव हो तो ऐसा हो सकता है, अभी मैं लाइव ही शूट कर रहा हूँ बिना किसी टेक के, तो भूल चूक माफ कीजिएगा। और जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई जागरण में इसको प्ले कर रहे हो तो बीच में अगर आपको कोई धुन नहीं सूझ रही है तो उसी ट्यून को आप रिपीट कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ताल मिली रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई बंदे गा रहे हैं और आपको बीच में फिर अपने पियानो, अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ प्ले करना है तो आप उसी धुन को, जो ओरिजिनल गाने की मेलोडी है, उसको भी प्ले कर सकते हो अगर आपको और कुछ याद ना आए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके अंतरा की तरफ। अंतरा काफी ज्यादा शानदार, किस तरह, यही अंतरा थोड़ा सा अलग है। फिर बाद में सेम वही मेथड, सेम मेलोडी वही आ जाएगी मुखड़े वाली, ठीक है। तो इसमें देखो आप ध्यान से देखिए तो दो ही अलग अलग पैटर्न है, एक इधर एक और नीचे की तरफ। देखते हैं पहला पैटर्न किस तरह, तीन ही सुर 1 2 3, स्लो में देखे तो फिर से, फिर सेकंड लाइन कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही सुर 1 2, कौन से दो, 1 2, फिर सेम वही रिपीट। इसमें 1 2 3 4, अगले लाइन में कृष्ण को लल्ला बोले, क्लियर। फिर बाद में वही जो हमारी मुखड़े की जो लास्ट लाइन होती है, सभी लगभग हिंदी भजन में यही होता है, अगर जो अंतरे की जो लास्ट लाइन है मुखड़े की लास्ट लाइन से मैच होती है, ठीक है। तो सेम लास्ट लाइन पहले जैसी, होप आपने यहाँ तक सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट ये रहेगा इस भजन में। शुरुआत में जो आपने प्ले किया वही जो इसमें बीच में म्यूजिक आप किसी भी तरह का प्ले कर सकते हो, फिर अंतरा, फिर बाद में सेम जो इसमें लगभग 25-30 मिनट की कहानी जैसे भी है, सभी मेलोडी लगभग इसी प्रकार की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आराम से आप इसको अपने कीबोर्ड के ऊपर बजा पाएंगे, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपने सीख लिया। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। तो बस अलविदा लेता हूँ आपसे इस वीडियो में, और आशा करता हूँ आपने भजन यहाँ तक सीख लिया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ भी कोई डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताएं, अपना जो भी राय है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस सुनहरे प्यारे भजन को अपने कीबोर्ड या फिर बाद में अपने मोबाइल पियानो अपने हारमोनियम के ऊपर सीख सके, ठीक है, और समझ सके। तो बस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल के ऊपर जाइए, आपको कई प्रकार के इस प्रकार के भजन गाने मिल जाएंगे, सीखिए उनको और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो बस बाय बाय, जय माता दी, अपना ध्यान रखिए।